चाहिए पावना देख और कमाल का सीनिक व्यू है यहाँ पे, ऐसे कुछ ऐसा व्यू है मिला का। तो ये है हॉल अपना, यहाँ पे आपको सोफा वोफा जो भी बैठने के लिए सब, यहाँ बड़ा स्विमिंग पूल है देख सकते हैं। क्या ही चाहिए जिंदगी में, यहाँ पे सबसे ज्यादा एंजॉय किया हम लोग ने, आपको मिला है ओपन एरिया, यहाँ पे आप पार्टी शार्टी कर सकते हो, और ऊपर दो रूम है, ये वाला थोड़ा स्पेशियस रूम है। क्या अच्छा है क्या बुरा है विला में, तो लंच और डिनर जो हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर किया है यहाँ से किया से, स्विमिंग पूल का व्यू, पहाड़ का व्यू, लेक का व्यू, हमारा रेफरेंस देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा I believe it's true. Every day the sun rises again for you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी की राइड्स। सो गाइस, मेरा नाम है अरविंद गौड और आया हूँ मैं आज पावना लेक लोनावला यहाँ पे, और हम लोग ने किया है विला बुक, और देख सकते हैं मेरे पीछे ही है पावना लेक और कमाल का सीनिक व्यू है यहाँ पे, और हवा बहुत चल रही है, बारिश चल रही है। और कैसा है, जैसे आप रोड से आओगे यहाँ से तो सीधा यहाँ पे आपको यहाँ पे आने का नीचे की ओर, और गाइस आपको आवाज में डिफरेंस पता चलता रहेगा क्योंकि पूरा थोड़ा गला बैठ गया मेरा, तो उसको सहन कर लेना थोड़ा, क्योंकि रात को पार्टी शार्टी हुई और पूरा आवाज थोड़ा बैठा हुआ है, तो उसको सहन कर लेना। अभी दिखाता हूँ आपको लोनावला में पावना लेक के यहाँ पे विला जो हम लोग यहाँ पे वीकेंड स्पेंड किया वो दिखाता हूँ, और ये है विला जहाँ हम लोग ने वीकेंड स्पेंड किया यहाँ पे, और यहाँ पे कार पार्किंग ये सब है, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है विला का। तो फिर चलिए दिखाते हैं आपको और क्या है विला में। तो यहाँ से विला, और विला हम लोग ने यूज कर लिया तो थोड़ा सा मैसअप रहेगा, तो यहाँ से जैसे अंदर जाएंगे जैसा है वैसा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे आपको दो रूम मिल जाएगा, तो एक रूम यहाँ पे है और इतना बड़ा सा, छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बेड है यहाँ पे, और ये है वॉशरूम, तो वॉशरूम कुछ ऐसा है ठीक ठाक है। ये दूसरा रूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा वैसा सेम साइज का, यहाँ पे दूसरा रूम छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और ये है इसका वॉशरूम देख सकते हैं कैसा है। ये है हॉल अपना, तो देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा, यहाँ पे डाइनिंग टेबल, वहाँ पे आपको टीवी स्पीकर ये सब मिल जाएगा, और ये है यहाँ पे आपको सोफा वोफा जो भी बैठने के लिए सब यहाँ पे, और यहाँ पे है किचन, अब ये किचन में आपको जो भी चाहिए रहेगा बना के वो सब मिल जाएगा। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरे एरिया वाले, स्विमिंग पूल का एरिया ये सब दिखाता हूँ कैसा क्या है। तो फिर जाते हैं स्विमिंग पूल, देखते हैं कैसा है, और स्विमिंग पूल पे जाने के लिए इस एरिया से जाना पड़ेगा, तो कुछ इतना बड़ा स्विमिंग पूल है देख सकते हैं। स्विमिंग पूल तो अच्छा था और अच्छा है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, और विला का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से, और ये है यहाँ पे आप शॉवर और जो भी वॉशरूम यहाँ पे भी दिया है। तो इस प्यारे विला के साथ, नजारों के साथ, पावना लेक के व्यू के साथ स्विमिंग पूल में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं इस मानसून में। Was not easy from the start. So guys, अभी यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग पूल में, बारिश भी मजबूत आ रही है अपने, यहाँ पे अपने बंदे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ओह मैन, बहुत ही अच्छा पूल है यार, इतना फिट है, मजा आ रहा है पावना लेक यहाँ पे विला में, और क्या ही चाहिए, बारिश इतनी अच्छी आ रही है, मानसून में एक नंबर है, मजा आ जाएगा सीरियसली। पूल और वहाँ पे वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और उस साइड विला, क्या बात है, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। तो चलिए आप लोग को दूसरा एरिया दिखाते हैं ऊपर, जहाँ पे हम लोग ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत मजे किए, गार्डन एरिया जहाँ पे हम लोग ने क्रिकेट खेला, और यहाँ पे भी आपको गार्डन एरिया मिल जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो भाई साहब ये एरिया देखो, इधर तो हम लोग ने इतना टाइम स्पेंड किया, इतना क्रिकेट खेला, गिर गिर के क्रिकेट खेला, बहुत ही यहाँ पे सबसे ज्यादा एंजॉय किया हम लोग ने। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए।
और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है पूरा प्रॉपर्टी, यही विला का है यहाँ से पूरा, और ये है अपना विला। तो चलिए आप लोग को ऊपर का दिखाता हूँ कैसा है रूम एंड ऑल। तो ऊपर वाले रूम में जाने के लिए आपको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आएंगे ऊपर तो देख सकते हैं कुछ ऐसा है, और ये आपको मिला है ओपन एरिया, यहाँ पे आप पार्टी शार्टी कर सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे किया, और लेकिन जब बारिश आता है तो बहुत पानी आता है, बहुत हवा आती है यहाँ पे। तो ये है एरिया ऊपर का, और यहाँ पे आपको झूला भी मिल जाएगा, झूला देख सकते हैं। और ऊपर दो रूम है, तो ऊपर दो रूम है वो भी दिखाता हूँ आपको कैसा है क्या है। और यहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा है, व्यू के मामले में नो डाउट बहुत अच्छा है। और ये है रूम इसका, इतना बड़ा रूम है कुछ यहाँ पे, ये वाला थोड़ा स्पेसियस रूम है, और यहाँ पे आप सामान वामान रख सकते हो अपना। और ये है वॉशरूम, तो दूसरा वाला भी रूम वैसे ही है कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा बेड है आपको इतना बड़ा मिल जाएगा, तीन जन आराम से सो जाएंगे वहाँ पे आपको सामान रखने के लिए। और ये है वॉशरूम, थोड़ा यूज हो चुका है रूम, मैं वीडियो बना रहा हूँ एक दिन यहाँ पे रहने के बाद। तो ये सब आपको मिल जाएगा ऊपर वाले एरिया में। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है विला में। तो विला में हम लोग ने यहाँ पे वन नाइट रुके, और सब अच्छा था, व्यू भी सब अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम था यहाँ पे पानी और इलेक्ट्रिसिटी का, तो बारिश बहुत आई थी इसकी वजह से वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन पानी का तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम हुआ, आती थी जाती थी, और फिर बाद में रात को 10 बजे तो सॉल्व हो गया इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, तो उसमें कुछ नहीं है। तो लेकिन ये सब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, और कुछ नहीं ऐसा बोल रहे यहाँ पे बारिश की वजह से इतना हुआ। तो योगेश भाई से बोलते हैं अगर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो विला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो योगेश भाई से बात करके जो भी रहेगा आपको बताता हूँ कैसा है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आप विजिट कर सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बहुत प्रॉब्लम है। Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the nights, the darkest before the dawn. Live your life, live your dream, it's the sound of soul in me, in me. खूबसूरत बात है तू लेकिन गाइस हम लोग जो पावना लेक का विला के यहाँ पे आए थे, और हम लोग का जो लंच और डिनर जो हम लोग ने यहाँ पे ऑर्डर किया यहाँ से किया, और ये है एसपी होटल देख सकते हैं। और लंच तो बहुत ही अच्छा था, अभी हम लोग यहाँ से डिनर भी लेके जा रहे हैं। तो डिनर में देखते हैं हम लोग ने लिया है चिकन हंडी, वो भी मालवनी वाला, और उसमें फ्राई और हंडी दोनों मिलेगा, और ये सब अंडा करी भी लिया है, वो सब टेस्ट करके देते हैं। और जो चाइनीज था यहाँ का बेस्ट था, वेज और नॉन वेज दोनों। और रेट की बात करूं मैं तो देख सकते हैं रेट ऐसा चाइनीज का नॉर्मल ही है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। इनका किचन देखिए और हाइजीन भी अच्छा है, तो थैंक यू भाऊ सर्विस देने के लिए अच्छा। तो आपको जब भी आना रहेगा तो यहाँ पे आके खा सकते हैं, और अपने चैनल का नाम बताएंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो खा रहे अभी हम लोग चिकन हंडी मालवनी चपाती और राइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट रहेगा। तो कुछ ऐसे नजारों के साथ हम लोग ने यहाँ पे अपना वीकेंड स्पेंड किया, देख सकते हैं कितना सीनिक व्यू है यहाँ से, स्विमिंग पूल का व्यू, पहाड़ का व्यू, लेक का व्यू, फॉगी वेदर, और क्या ही चाहिए। तो अगर आपको विला बुक करना रहेगा तो योगेश भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग को थोड़ा सा पानी और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो बारिश की वजह से हुआ था, तो वो तो बोल रहे हैं सॉल्व हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आके बुक कर सकते हो, इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अभी बारिश ज्यादा है ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इन्वर्टर बैकअप है तीन और उसका, तो हो जाएगा आपको, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप बुक कर सकते हो यहाँ के योगेश भाई को कॉन्टेक्ट करके।
तो ओवरऑल हम लोग का वीकेंड तो अच्छा गया और यहाँ पे स्पेंड किया हम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड किया विल्ला में। तो फिर अभी जा रहे हैं यहाँ से, हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, तो बाय बाय बोलते हैं ऐसे प्यारे से विल्ला को। योगेश भाई थैंक यू यार होस्ट करने के लिए, जो भी हम लोग के साथ प्रॉब्लम हुआ रहेगा सॉरी यार जो भी रहेगा। और अच्छा लगा यहाँ पे आके, विला बुक करना रहेगा तो योगेश भाई को कॉल कर देना, तो जो भी है आप देखेंगे हमारा रेफरेंस देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सर। और 4 BHK है, अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। बारिश में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा, मोटर बैकअप मिल जाएगा लेकिन उस पर गीजर वगैरह पानी गर्म वगैरह वो नहीं मिलेगा। हाँ तो बारिश में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी है सबका प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा मैंने वो मैनेज करना पड़ेगा अपने को, हम लोग ने भी किया, तो जो भी रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आके आप कर सकते हो। सो थैंक यू योगेश भाई। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। और अच्छा लगा वीकेंड यहाँ पे स्पेंड करके पावना लेक में, तो चलते हैं घर की ओर, लोनावला थोड़ा सा देखते हैं विजिट करते हैं कैसा रहेगा, अगर नहीं हुआ तो सीधा घर निकलते हैं। सो गाइज यहाँ पे रुके हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए अन्नाची मिसल में, और जो बोल रहे थे आप अगर पावना लेक विल्ला में जो आ रहे हैं यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, अच्छा है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको मिसल पाव कैसा है क्या है, अप्पाची मिसल। एक नंबर का ना मस्त है, लो कार है, ऐसा मिसल पाव कौन देता यार, सही है यार, मैं तो देखा ही नहीं यार ये तो। देख सकते हैं कुछ ऐसा थाली सजा के मिला है मिसल पाव।